जयपुर के झोटवाड़ा रोड बनी पार्क में स्थित महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सालय द्वारा 8वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में सुबह एक शानदार बाइकर रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ संस्थान के प्रभारी डॉक्टर बी आर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली जवाहर सर्किल से रवाना होकर टोंक रोड, SMS हॉस्पिटल, अजमेर गेट, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, सुभाष चौक होते हुए जलमहल पर समाप्त हुई। जयपुर बाइकर्स के सहयोग से जयपुर शहर के 8 प्रोफेशनल बाइकर्स के ग्रुप द्वारा 120 बाइकर्स ने रैली में भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान के तहत आमजन को आयुर्वेद के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना था। इस रैली में बड़ी संख्या में ये संदेश देने में कामयाब हो पाए कि आयुर्वेद प्रमुख उपचार है और प्रभावी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्थान प्रभारी द्वारा बाइकर्स ग्रुप के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर संजीव शर्मा, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय डी नोवो जयपुर रहे। संस्थान प्रभारी डॉक्टर बी आर मीणा द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर मान सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में वहां पर उपस्थित बाइकर्स ग्रुप के पदाधिकारियों, प्रतिभागियों एवं आमजन को अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाने और आयुर्वेद उपचार को सामान्य रोगों की चिकित्सा के लिए अधिक से अधिक अपनाने पर जोर दिया। विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाली ये बाइकर्स रैलियां निश्चित रूप से युवाओं को आयुर्वेद और देश की अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के समापन पर संस्थान अधिकारी डॉक्टर बी कुमावत ने इस आयोजन को सफल बनाने कर्मचारियों, बाइकर्स पदाधिकारियों, प्रतिभागियों, पुलिसकर्मियों के साथ साथ प्रेस मीडिया एवं जन को उसमें सहयोग के लिए हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज जो ये बाइकर्स रैली आपके संस्थान द्वारा आयोजित की गई है और बहुत अच्छी और सफलतम रैली आपने आयोजित की है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बताया गया और हमें मालूम भी है कि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन हो रहा है। आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम सबको ये जानना जरूरी है, आयुर्वेद एक भारतीय ज्ञान परंपरा है। आमतौर पर इसको चिकित्सा विज्ञान के रूप में जाना जाता है कि आयुर्वेद से चिकित्सा की जाती है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूल रूप से आयुर्वेद एक जीने की पद्धति है, लाइफस्टाइल है कि जीवन को कैसे जिया जाए। और अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर कभी किसी कारण से बीमार हो जाए तो आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा भी दे सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद का कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रखना, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। आतुरस्य विकार प्रशमनम्, कि आतुर जो या रोगी जो है उसके विकार, उसकी जो रोग अगर हो गया उसको कैसे उसकी चिकित्सा की जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इस बार जो आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब क्या है? वन हेल्थ का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को हम एक रूप में देखें। जो व्यक्ति है या इंसान है और प्रकृति है, प्रकृति में जीव जंतु भी आ जाते हैं, प्रकृति में हमारे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, प्रकृति में वातावरण भी आ जाता है। जब वातावरण सही होगा, पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, पशु पक्षी स्वस्थ होंगे, तो मनुष्य भी स्वस्थ रह सकता है। हम केवल मनुष्य के स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ मनुष्य स्वस्थ रहे, बाकी वातावरण दूषित रहेगा। वातावरण में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे जल है, वायु है या पशु पक्षी, उनका भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये जो 8वां आयुर्वेद दिवस है ये मनाया जा रहा है कि हम एक वन हेल्थ की कल्पना करें जिसमें व्यक्ति का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का और पेड़ पौधों का जो संरक्षण हो, स्वास्थ्य संरक्षण हो, तभी हम संपूर्ण स्वस्थ विश्व की कल्पना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं।
तो उसी के लिए आज ये जो ये चेतना रैली आप लोगों ने निकाली है जो बाइकर्स की जी सर बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार अथक प्रयास किए गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज 10 नवंबर आने वाले 10 नवंबर को हम आगामी आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति अवेयर करने के लिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए अनेक गतिविधियां मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक बाइक रैली क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की गई है, जो कि जवाहर सर्किल से लेकर के और जल महल तक ये रैली का आयोजन किया। करीब 20-25 किलोमीटर की रैली थी, जिसके दौरान लोगों का काफी उत्साह देखा गया और हमारे जो कि जयपुर के 8 बाइकर्स ग्रुप के द्वारा इस रैली में भाग लिया गया और उन सभी को हमने सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्रदान किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वन हेल्थ के लिए आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ एंड हर घर हर किसी के लिए आयुर्वेद की थीम पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है पिछले एक महीने से लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके दौरान विभिन्न गतिविधियां संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है। एग्जीबिशन संस्थान में चल रहा है, इसके दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर भी हम विभिन्न जगहों पर किए जा रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको फैलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसी की श्रृंखला में ये सब आज गतिविधियां आयोजित की गई। थैंक यू।